हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, चाहे आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या जॉब से पहले जो रिटन टेस्ट होता है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपको ये तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो 200 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जो शॉर्टकट है, या जो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, वो है जो कि अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि अक्सर इंटरव्यू एग्जाम और कंपटीशन के जो रिटन टेस्ट होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला कीवर्ड है वो है ABS, जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, और ABS के ऊपर हम डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अगला जो कीवर्ड है वो है JCB, जो कि एक कंपनी, और इसके बारे में खास करके कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड। अगला जो कीवर्ड है वो है VDB, इसका फुल फॉर्म होता है वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक, इंपॉर्टेंट है ये। अगला जो है वो है SOHC, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। अगला जो है इससे रिलेटेड ही है वो है DOHC, इसका फुल फॉर्म होता है डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट। फ्रेंड्स, जितने भी कीवर्ड के बारे में आपको बताऊं, अगर आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो है वो है BHP, फ्रीक्वेंटली हम लोग इसे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर। देन जो अगला है वो है CC, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी। देन जो अगला है वो है NTM VSA, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रैफिक एंड मोटर व्हीकल सेफ्टी एक्ट। देन जो अगला एक कंपनी है वो है MRF, जिसका टायर आता है, जो कि आप सब जानते हैं उसके बारे में, तो MRF के बारे में भी पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो MRF का फुल फॉर्म होता है मद्रास रबर फैक्ट्री। देन जो अगला है वो है RTO, बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये भी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो RTO का बेसिकली दो मतलब होता है, एक होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, और दूसरा मतलब होता है RTO का रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, दोनों ही सही है। देन जो अगला है वो है HCV, इसका फुल फॉर्म होता है हेवी कमर्शियल व्हीकल, और एक और इससे रिलेटेड है वो है LCV, तो LCV का फुल फॉर्म होता है लाइट कमर्शियल व्हीकल। देन जो अगला एक कंपनी है ये है TVS, जिसके बारे में अक्सर कंपटीशन के एग्जाम पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो इसका होता है थिरुकुरुगुंडी वेंगरम सुंदरम, ये है TVS का फुल फॉर्म। देन जो अगला है वो है SFC, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। देन जो अगला है वो है CRDI, बहुत इंपॉर्टेंट है ये CRDI, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ओके। देन जो अगला है वो है TDI, और TDI का फुल फॉर्म होता है टर्बोचार्ज्ड डायरेक्ट इंजेक्शन। देन जो अगला है वो है DTSI, DTSI के ऊपर में डिटेल वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल ट्विन स्पार इग्निशन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन जो नेक्स्ट है वो है AECM, इसका फुल फॉर्म होता है एयरबैग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ये है AECM। अगला है VTVT, जो कि अक्सर आप देखते हो कार के पीछे लिखा हुआ रहता है VTVT, तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल टाइमिंग वैल्व ट्रेन। अगला है SUV, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, बहुत ही कॉमन भी है SUV, XUV हम लोग बोलते हैं, तो SUV का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। देन जो नेक्स्ट है वो है MPFI, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। देन जो अगला है वो है ASG, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक शिफ्ट गियरबॉक्स। वैसे गियरबॉक्स यहाँ पे जो गियर का शिफ्टिंग होता है वो होता है ऑटोमेटिक, और इसे हम लोग ASG भी कहते हैं शॉर्ट में। देन जो अगला है वो है HCU, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट,
अगला है PUC, इसका होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको टोटल 25 कीवर्ड्स के बारे में बता दिया है। तो वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देन जो अगला है वो है HEPS, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। ये उसका होता है हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग। देन जो अगला है वो है SAE। तो अगर आपने इंजीनियरिंग किया होगा तो आप इससे वाकिफ होगे SAE से। ये है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये एक सोसाइटी है। देन जो अगला है वो है CVTI, इसका फुल फॉर्म होता है चार्ज्ड मोशन वेरिएबल टाइम इग्निशन। देन जो अगला है वो है EBD का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। देन जो नेक्स्ट है वो है BMEP, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देन जो अगला है वो है MUV, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। देन जो अगला है वो है OHV, इसका फुल फॉर्म होता है ओवरहेड वेल्व। देन जो अगला है वो है BSFC, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। देन जो अगला है वो है KPH, तो आप इससे वाकिफ हो गए, अक्सर फ्रिक्वेंटली हम लोग KPH को यूज़ करते हैं। KPH का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स किलोमीटर पर आवर, ओके। देन जो अगला है वो ही फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह में यूज़ करते हैं, ये है RPM, इसका फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट, ओके, ये है RPM। देन एक और इम्पॉर्टेंट है वो है KPL, ये होता है किलोमीटर पर लीटर, ओके। देन जो अगला है वो है CDI का फुल फॉर्म होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। अगला है IHP, ये भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड है और अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में, इंटरव्यू करने में पूछा जाता है। ये है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अगला है CNG, ये गैस होता है और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इस गैस को हम लोग गाड़ी में यूज़ करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए। अगला एक और गैस है वो है LPG, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देन जो अगला है वो है LNG, ये है लिक्विड नेचुरल गैस। अगला है CI इंजन, तो ये होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एक और होता है DI इंजन, ये होता है डायरेक्ट इग्निशन इंजन। नेक्स्ट है EC इंजन, ये है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और एक और है IC इंजन, ये है इंटरनल कंबशन इंजन। और एक और आखिरी में है, ये है SI इंजन, ये है स्पार्क इग्निशन इंजन। इस इंजन में स्पार्क प्लग के स्पार्क निकलने से वजह से ही जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो इग्नाइट होता है, कंबशन प्रोसेस होता है। तो ये जो पांचों ही इंजन का फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से याद कर ले। देन जो अगला है वो है FHP, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। नेक्स्ट है GVW, अक्सर इसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब होता है। तो GVW का मतलब होता है ग्रॉस व्हीकल वेट, किसी भी गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट को हम लोग GVW कहते हैं। नेक्स्ट है ESCM, इसका फुल फॉर्म होता है एनर्जी स्टोरेज कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये था ESCM। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको टोटल 50 कीवर्ड्स का फुल फॉर्म बता दिया। तो वीडियो अगर अभी तक अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है HVAC, इसका फुल फॉर्म होता है हीटिंग वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, एक तरह का कोर्स है एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है AFR, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जगह से पूछा जाता है। AFR का होता है एयर फ्यूल रेशियो। नेक्स्ट है APO, APO का फुल फॉर्म होता है एसेसरी पावर आउटलेट्स। नेक्स्ट है IMEP, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। नेक्स्ट है ISFC, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। नेक्स्ट है HP, ये तो आपको पता होगा आई एम श्योर, इसका फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, फ्रिक्वेंटली ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है ACD, इसका फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग डिमांड। नेक्स्ट है HCM, अब HCM का दो फुल फॉर्म है, दो मतलब होता है, एक होता है हीटिंग कंट्रोल मॉड्यूल और अगला होता है हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल। अगला है AMM, तो AMM का मतलब होता है एयर मास मीटर। नेक्स्ट होता है AMT,
तो फ्रेंड्स AMT का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट है CVT, इंपॉर्टेंट है ये। इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, जो कि स्कूटी वगैरह में यूज़ होता है। इसके ऊपर में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट है ICE, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबशन इंजन। नेक्स्ट है VVTI, इंपॉर्टेंट ही है। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग विथ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है 2WD, इसका फुल फॉर्म होता है टू व्हील ड्राइव। नेक्स्ट है TC, इसका है ट्रैक्शन कंट्रोल। इसके ऊपर में डिटेल वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया था, तो आप वो जाकर वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है ESC, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। नेक्स्ट है ARAI, ओके, इसका है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये था ARAI। नेक्स्ट है EVRV, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम रेगुलेटर वाल्व। नेक्स्ट है WGT, इसका फुल फॉर्म है वेस्ट गैस टर्बोचार्जर। नेक्स्ट है VGT, इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर। नेक्स्ट है SRS, इसका फुल फॉर्म है सप्लीमेंटल रीस्ट्रेंट सिस्टम। नेक्स्ट है RTR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है AWD, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल व्हील ड्राइव। अगला है वो है ACM, इसका फुल फॉर्म है एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल। तो फ्रेंड इसके साथ ही मैंने अभी तक आपको 75 कीवर्ड का फुल फॉर्म बता दिया, जो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट है AAT, इसका फुल फॉर्म है एम्बियंट एयर टेम्परेचर। नेक्स्ट है CRDE, इसका फुल फॉर्म है कॉमन रेल डीजल इंजन। नेक्स्ट है DDIS, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है DICOR, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल, इसका फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट है FDE, फोर्ड ड्यूरा टॉर्क इंजन, ये है FDE। नेक्स्ट है TDCI, इंपॉर्टेंट है ये, टर्बो डीजल कॉमन रेल इंजेक्शन। नेक्स्ट है FGT, इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड जियोमेट्री टर्बो चार्जर। नेक्स्ट है VNT, इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नोजल टर्बाइन। नेक्स्ट है GDI, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट है ABC, इंपॉर्टेंट है ये, ABC का फुल फॉर्म होता है एक्टिव बॉडी कंट्रोल। नेक्स्ट है TSI, टर्बोचार्ज्ड स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन, ये है TSI। नेक्स्ट है EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है BMEP, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है AALA, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन ऑटोमोबाइल लेबलिंग एक्ट। नेक्स्ट है ABARS, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमोबाइल बैकवर्ड ऑटोमेटिक रेंजिंग सिस्टम। अगला है AFO, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट फ्यूल ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है ACS, इसका फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग साइक्लिंग स्विच। नेक्स्ट है VSS, इसका फुल फॉर्म होता है व्हीकल स्पीड सेंसर, ये वो सेंसर होता है जो व्हीकल के स्पीड को मेजर करता है। नेक्स्ट ACE, इसका होता है एक्टिव कॉर्नरिंग इन्हेंसमेंट। नेक्स्ट है ACP, इसका फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग प्रेशर। नेक्स्ट है ADAS, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। अगला है ADC, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक डिस्टेंस कंट्रोल। नेक्स्ट है ADG, एकोमोडेटेड डिवाइस गेटवे। अगला है ADL, ऑटोमेटिक डोर लॉक। और नेक्स्ट है ADS, इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी डिस्क्रिमिनेटिंग सेंसर। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही 100 कीवर्ड्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ये पहला पार्ट इस वीडियो का। अगले पार्ट में मैं जो बाकी बचे 100
कीवर्ड से उसका फुल फॉर्म बताऊंगा ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो जाए। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरव्यू, एग्जाम, रिटन टेस्ट सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि यही सारे कीवर्ड है जिनसे आपको फुल फॉर्म वहाँ पे पूछा जाता है। तो आप तैयारी, उम्मीद है कि अच्छा से आपका हो गया होगा। यहाँ पे वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।